हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो लेकर। और आप लोग सोचते होंगे कि आज मोमिना किचन में क्या कर रही है, तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक चीज बनाने लगी। मैं बनाने नहीं लगी बल्कि सीखने लगी हूँ, तो ये आपको नजर आ ही रहा होगा ये क्या है। तो आज मैं वो चीज सीखूंगी बनाऊंगी जो किचन विद आमना पर सबसे ज्यादा फेमस है, बहुत फेमस है वो रेसिपी। फर्स्ट टाइम बनाऊंगी तो सबसे पहले उसके लिए हमें डो गूंदनी पड़ेगी, और थोड़ी देर तक मैं बताती हूँ कि वो रेसिपी क्या होगी और मेरे साथ कौन आएगा मुझे सिखाने के लिए। तो बस सबसे पहले डो गूंदनी है, फिर बाद में बताते हैं कि वो रेसिपी है क्या। हाँ जी, तो अब हम सबसे पहले डो गूंदते हैं। इसमें मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है, 4 कप मैदा, और जिसमें मैंने सब कुछ ऐड किया, चीनी, नमक और मिल्क पाउडर और यीस्ट। इसकी जो क्वांटिटी है वो आप किचन विद आमना में भी देख सकते हैं, लाइव विद आमना में भी। आमना ने जब मुझे पिज्ज़ा बनाना सिखाया था उसमें भी बताई है 4 कप मैदे की क्वांटिटी, कितनी कितनी चीज़ें ऐड की गई हैं, वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बताने बैठी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नीम गर्म दूध कर लिया है और इसमें मैंने बटर ऐड किया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट करते हैं डो बनाना। और ये डो बनाना मुझे आमना ने सिखाई है, बस आज बन जाए अच्छी तरह से। तो ये देखिए, बस इसको अब हम अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। इसमें तो सही तरह होगा ना, इसको बाहर निकालते हैं और अच्छी तरह से गूंदते हैं। ये देखें, चलिए जी अब इसको स्लैब पर रखते हैं और अच्छी तरह से मसलते हैं, क्योंकि डो ऐसे ही गूंदी जाती है। और इसको तब तक हमने गूंदना जब तक हमारे हाथ पे ये चिपकना बंद हो जाएगा। ये देखें, अभी चिपक है ना, अच्छी तरह इसको गूंदना है। हाल देखें, आजकल इतनी गर्मी है ना, पिछले दिन इतनी बारिश हुई थी, इतना अच्छा मौसम था, और फिर से वही हाल है। ये देखें आप लोग, और इस टाइम अली मेरा शूट कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेहनत के काम अली मेरे से करवाते हैं। हाँ जी, तो ये देखें, चेक करें, हमारी डो बिल्कुल रेडी है और ये चिपक भी नहीं रही हमारे हाथ पे। ये देखें, हैंड बिल्कुल साफ, नीट, क्लीन। तो बस अब इसको उठाते हैं और इसको इस तरह से करके ना बाउल में रखते हैं, पेड़ा बना के बड़ा सा ऐसे। ये देखें कितनी जबरदस्त डो हुई है ऐसे। इस पर हल्का सा हम बटर लगा देते हैं ताकि जब हम निकालें ना तो इजीली निकल आए तरह से। चले जी अब इसको रखते हैं इसमें। चले जी अब इसको प्लास्टिक शीट से कवर कर देते हैं इस तरह से, अच्छी तरह, ताकि इसमें एयर ना जा सके। अच्छी तरह से इसको कवर कर दें। चले जी अब डो राइस होती है, उसके बाद मिलते हैं। और आप लोग मेरा हाल देखें क्या हो गया, इतनी स्वेटिंग तो मुझे कभी भी नहीं हुई जितनी आज हो गई है, अब बिल्कुल बुरा हाल गिरी हो गई हूँ। चलिए अब हम मिलते हैं, जब तक डो राइस होती है उसके बाद हम मिलते हैं और बताते हैं कि हम क्या बनाने लगे हैं थोड़ी देर तक। हाँ जी, तो अब टाइम है जो मैं चीज बना रही हूँ उसकी फिलिंग रेडी करने का। और आज की जो रेसिपी है ना वो अभी आपको पता चलता है कि कौन मुझे बनाना सिखाएगा। आइए, और वो क्या है, हम सबकी आमना। अस्सलाम वालेकुम। तो आप बताएं जो किचन विद आमना की सबसे फेमस रेसिपी है, आप मुझे बनाना सिखा रही हैं, नाम बता दें क्या है। वो है बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड। यस, चिकन ब्रेड जो वायरल हुई थी किचन विद आमना पर आज से कितने साल पहले, आज से 5 साल, 5 साल पहले। और वो है 5+ मिलियन है, मतलब 5 मिलियन से भी ऊपर है वो, है ना। मोमना भाभी इसलिए वायरल वीडियो कह रही थी, उसी वीडियो से किचन विद आमना आगे बढ़ा था। हाँ जी, और बहुत अच्छी रेसिपी थी, मैंने फर्स्ट टाइम खाई थी, मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद आई थी। और इसकी एक स्टोरी भी हमें आपको बाद में बताते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब जी आमना सबसे पहले सिखाएगी कि हमने इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज करने हैं। सबसे पहले हमें एक पैन चाहिए, क्योंकि मैंने चिकन भी बॉइल करके ऐड कर दिया था, प्याज भी कट कर दिया था, और काफी चीजें बना रही थी। बस आमना ने क्वांटिटी बताई थी कितनी कितनी यूज करनी। मुझे मोमना भाभी का रात को मैसेज आया था कि आमना आप आ रही हो कल, मैंने कहा हाँ मैं आ रही हूँ, कहते मुझे ना आपकी हेल्प चाहिए, मैंने कहा क्या हेल्प चाहिए, वो कहते हैं कि मुझे इतना चिकन ब्रेड बनानी है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है मैं कल आ जाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी कैसे बनानी है।
क्योंकि बहुत सी चीजें अमना ने मुझे बनाना सिखाई है। स्पेशल चीज तो ये है ना डो जो आपने मुझे बनाना सिखाई है, वो तो मुन्ना ने खुद ही गूंद ली है, मुझे जरूरत ही पड़ी है। तो बस अब हम इसमें ऑयल डालते हैं फिलिंग में। अच्छा डो बनानी आ गई तो सब कुछ आ गया। दो का मसला होता है, डो आ गई बस। पिज्जा तो आ गया लेकिन चिकन ब्रेड थोड़ी मुश्किल थी ना, उसको शेप वगैरह देना मुझे नहीं पता था। मुझे शौक बहुत था, वो टेस्टी बहुत होती है, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा हाँ जी, अब सब साथ में चलो। मम्मी वैसे अक्सर हम बनाया करते हैं घर में, तो वो ना खाया करती हैं शौक से। मुझे बहुत पसंद है प्याज डालने सबसे। हाँ प्याज डालते हैं, तो एक दिन हमें प्याज डालेंगे। तो मैं करती हूँ ना, आप तो मुझे हेल्प करेंगे ना। बनाऊंगी मैं। तो कितने देर तक काम ना करना है इसको? ये देखिए ये पिंक कलर है ना, ये लाइट से जब व्हाइट हो जाएगी ना बस चलेगा। इसकी जो पानी की मतलब अंदर जो पानी है ना वो सारा खत्म हो गया प्याज का, तो फिर बस हम इसमें डाल देंगे ये जो स्पेशल चीज है, हरी मिर्च का पेस्ट और साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये डालेंगे क्योंकि ये ना बहुत मजे का टेस्ट देता है, बिल्कुल बेहतरीन जाता। खुशबू भी आएगी फ्रेश। मैंने पाउडर घूमना खुद ही कह रही पाउडर डाल दो, तो मैंने पाउडर डालेंगे तो वो खुशबू नहीं आएगी, जो रियल खुशबू होती है जो असली मतलब सही खालिश जो अदरक लहसुन होता है ना फ्रेश वाला, उससे आती है। चलिए हम अदरक लहसुन डालते हैं। ठीक है, हम देसी तरीके से दिखा रहे हैं, वैसे ही हमने का बोतल में दिखा रहे हैं जिसमें हमने ग्राइंड किया है। बर्तन क्या बनना है? चले अब ऐसा है कि ये दूध है, ये क्या मोमना हो रही है, ये दूध है और इसमें हम डाल देंगे नमक। दूध में? हाँ अच्छा, दूध में क्या नमक, और दूध में मैं थोड़ी कम डालूंगी क्योंकि तेज ना हो जाए ज़्यादा, ना कड़वा कड़वापन आ जाता है अगर ज़्यादा काली मिर्च पाउडर डाल दो ना, तो कड़वा कड़वापन आ जाता है उसमें ब्रेड के उसमें। हेलो, बिहाइंड द कैमरा वाज अल्ट्रा ब्लाइंड। मैं यार सोच रही हूँ तुम क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो। मैं क्लासेस लेना चाहूँगी, अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा, मैं क्लासेस कैसे लेना जानी क्या क्या चले मेरे हाथ से। आपका सिखाती ज़्यादा अच्छी है, मतलब सिखाने में अपना बाकी मैं कह रही क्लास में कर लेते हैं बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। अब तक आना सिखाने के लिए अच्छा सिखाती मैं नोट किया खुद भी आगे से ज़्यादा मैं दूसरों को सिखाती है। सही बात है, बस मुझे भी सिखाती क्योंकि आपको शौक नहीं है ना, ऐसे है ना। आप मैं पूछो जिसको शौक हो वो सीखता है। दिल लगाना चाहिए ना, मैंने कहीं और दिल लगा लिया, जीतने के लिए दिल लगाना चाहिए, दिल ना हो तो फिर फायदा भी आता है। सही बात है, चलेगा चलो भी जाना था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और आप इसमें साथ ही हम चिकन डाल देंगे, थोड़ा सा पका लो फिर वरना वो बहुत हो जाएगा। तकरीबन एक ग्लास हमने इसमें दूध ऐड किया। ठीक है, अब चिकन अब जाएगा इसमें चिकन। चलिए मिक्स करते करते ना आप डालते जाओ। ठीक है, साथ चिकन डालता जाए, साथ साथ मिक्स करते जाओ क्योंकि आप एक बंदा हो तो वो मुश्किल पड़ती है, हमें दो बंदे हैं तो साथ साथ मिक्सिंग हो रही है और साथ साथ चिकन जा रहा है। काली मिर्च का पाउडर और जाएगा अच्छा। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी सोया सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस से भी बहुत अच्छा खुशबू आती है, अंदाजा नहीं डाला मैंने। ठीक है, नमक भी टेस्ट करेंगी अभी कि नमक कम ना पड़ जाए, नमक मुझे कम लग रहा है। आज हम टेस्ट करेंगी, आज मैं खुद टेस्ट करूंगी। हाँ चलें करें टेस्ट करें, आप एक्सपीरियंस है इनको। हरा धनिया भी डाल देते हैं थोड़ा सा खुशबू के लिए, थोड़ा ग्रीन ग्रीन भी लगे ना, ग्रीनिश ग्रीनिश आ गया सारा। अच्छा ये प्याज रखना है, ये देखे ना ये जो हमने दूध ऐड किया है, कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, इसकी जो नमी है ना ये सारी दूर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा बिल्कुल ड्राई होना ड्राई होना चाहिए। आयशा भी चेक कराते हैं? आयशा नहीं नहीं मैं नहीं करना चाहिए, मुझे चेक कराती है, मतलब कच्चा भी खा जाती है कबाब का, बिल्कुल सीलिंग खाना बच्चा नहीं है पता है मुझे। अगर तुम लोग मुझे थोड़ा और तो समझ नहीं आ रही, तो फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है, ठंडी भी हो चुकी है, ठंडी भी हो गई है। और अब ऐसा है कि अब हम ब्रेड रेडी करते हैं और मम्मा भाभी ब्रेड को खोल के पेड़े बनाती है, तो मैं आप उनको प्रिंट करने के लिए पहले देखें दो कैसी है, दो को पंच करके देखते हैं। देखें नहीं नहीं ऐसे नहीं करते, मैं ऐसे नहीं करता, इसको हम करते हैं इस तरह। आप चेक करें जी ये सॉफ्ट है, अच्छी है सॉफ्ट है, लचक है इसमें, ये देखो फिर ज़्यादा राइस क्यों नहीं हुई, बस ठीक है। तो आप कम तो नहीं लिए थे? फुल लिए थे, लेवल ला रहे मौसम
मौसम भी ऐसा ना, कभी मौसम की वजह से भी ना, लेकिन खुशबू आ रही, लो राइज हो चुकी है। वो नहीं है कि लो राइज नहीं हुई, अक्सर लोगों की लो राइज नहीं होती होती, चले भी अब हम दो पेड़े बनाते हैं अपने छोटे छोटे काके एक मोल एक आए भैया। हम प्रीहीट करते हैं, कितने डिग्री पर हम ना 200 डिग्री पर रख दो। हां सही है, 200 पे है और 15 मिनट के लिए पहले टाइम सेट करो ना। पहले टाइम हां 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए 200 डिग्री पर रख दिया। तब तक हम बेलते हैं, हम बेलते हैं और ब्रेड रेडी करते हैं। नानदन भाभी, नानदन भाभी आज क्या कर रही है, दो को हमेशा करती है, आप ज्यादा कुछ कर रहे हैं एक साथ, ठीक है सही है। कमरी देख लो नाप लें कितनी है, एक एक अब हम करते हैं फिलिंग। ऊपर वो करना है, इसके साइडों पे कट लगाएंगे। हाँ जी अब हम कट लगाते हैं, सबसे पहले इधर इधर स्टार्ट करो, इधर से और कितना कितना इतना इधर ऐसे ठीक है, मेरा तैयार नहीं हो गया जैसे मर्जी कुछ नहीं होता यार, ऐसे फिर ऐसे। अच्छा ये दोनों तरफ एक पर रखना है, इतना ठीक है क्या? ठीक है ऐसा भी होता है, खराब ना हो जाए। खराब नहीं होती, नहीं शेप में ये तो नहीं, नहीं खराब नहीं होती, खाई जाएगी तो ना करो, ये तो बड़ी बड़ी बन गई है ना, काफी बड़ी बन गई है। इसको फिश की शेप देते हैं ना, मर्जी हम लोग देते होते हैं वैसे, मर्जी दे हैं आप। चले अब इसको हम इधर से उठाएंगे, मैं इधर से क्या करना है मुझे तो बता दो। हाँ यही ऐसे एक और काट लो, हाँ एक इधर से और काट लो ना, एक इधर से बस। चलो अब इसको हम उठाना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक साथ। हाँ ऐसे वो क्रॉस बनाना, हाँ क्रॉस बनाते जाओ। अब क्या करें इधर से, इसको हम इस तरह से करते हैं ऐसे, कैसे किया बस इकट्ठा कर दिया और नीचे से, नीचे से क्या ये इसको पार्ट में ऐसे ही रहने देंगे, तो वो जो ब्रेड है ये है इधर ऊपर कर दो इसको, फिर फोल्ड कर दो इस तरह, कौन से बटन लगा रहे हैं ताकि हमारी ब्रेड चिपके ना है। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम इसके ऊपर रखते हैं, मोमना भाभी एहतियात से पकड़े, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आगे से फोन से पकड़े इसके उसके रखना है, बिस्मिल्लाह थोड़ी आती है आ गई है माशाल्लाह। चलिए एक मोटा एक पतला उस तरह रखना है, उस तरह ओ मेरी ना वो नहीं बन सकी पिछले दम दम किसने खानी भी नहीं है, खाली है खाली दम कोई नहीं खाता। चलिए आप अंडा ब्रश करते हैं, अंडा कलर के लिए करते हैं ब्रश, अंडा हाँ कलर आने के लिए, कलर अच्छा लगता है इस पर, फिर वैसे वाइट वाइट सी ब्राउन ब्राउन सी हो जाएगी खाली। अंडा ब्रश करने से ये है कि ये जो हमने इसके बनाए हैं ना पट्टियाँ सी बनाई है, लेयर्स काट काट के लगाए हैं, वो भी बंद हो जाएगी, खुलेंगे नहीं जी, देखो ना ये ऊपर अच्छा, खुल भी सकते हैं। अच्छा अंडा सारा लग गया, अब हम दोनों मिलकर इसके ऊपर ना इसको बारिश करते हैं, दिलों की बारिश करो, दिलों की बारिश करो आज।
बहन मिलकर तिलों की बारिश करते हैं। इतनी भी ना कर देना बारिश। अब आंख बनाएंगे इसकी हम। आंख तो लाजमी है ना, मछली की आंख है, मछली की आंख है, काली आंख। कितने एक आंख मछली की आंख एक साइड की होती है इधर। किस तरफ? ऐसे राइट साइड पे। कहाँ लगाइए? ऐसे चलो जी, मछली की आंख बन गई है। मैं समझती हूँ कि आंख ना ऑलिव लगाती है, लेकिन आज पता चला कि चले हम इसको रखते हैं ऑयल में। इसको हम रखते हैं 15 मिनट रखते हैं, ठीक है? 200 डिग्री पे। हाँ 200 डिग्री पे 15 मिनट के लिए रखते हैं पहले। चले आना क्या करते हैं, क्या बना है? हो गया, देखे जरा बाहर निकाल के। और टाइम देने की जरूरत है? बाहर निकाल के देखे। नो जल जल की बैठना बिल्कुल सही। तो अब ऐसा है कि हम इस गर्म गर्म चिकन ब्रेड पे बटर लगाएंगे, इससे हमारी जो ब्रेड है ना वो शाइनी और सॉफ्ट बनेगी, बहुत ज्यादा और ज्यादा सॉफ्ट और शाइनी हो जाएगी। एक मोमना बनी है कामना मोटी चोरी मैं चोरी मैं मोटी मैं चोरी बटर से ही होता है, इसमें खुद ब खुद कलर और ज्यादा हो जाता है। देखो ना इससे कलर आ गया, पहले हमें व्हाइट व्हाइट सी लग रही थी। चले जी अब कलर भी दिखाते हैं नीचे से कैसा कलर आया है। ध्यान से आना, ध्यान से, ध्यान से। वाह जबरदस्त कलर आया। जबरदस्त कमाल और सॉफ्ट भी बहुत ज्यादा है। और इसकी आंख भी जरा दिखा दें। इसकी आंख ये छुप गई है नीचे। अब मैं आपको स्टोरी बताती हूँ कि मैंने किचन विदाना की जो फेमस रेसिपी वायरल रेसिपी जो थी मैंने कब खाई थी, चिकन ब्रेड कब खाई थी। आमना को याद होगा? नहीं पता। मुझे याद है जब मोमना की शादी नहीं हुई थी। मुझे याद आ गया, आ गया याद है। जब हमारी मंगनी हुई थी, अली और मेरी मंगनी हुई थी ना, उसके बाद ना आमना ने मुझे बना के भेजी थी मंगनी के बाद, और मैंने वो फर्स्ट टाइम खाई थी। मैंने कहा क्या चीज है, इतनी मजेदार चीज क्या चीज है, मुझे नहीं समझ आया। फिर आमना ने कट करके पीसेस बना के उसके भेजे थे। तो आपने वो कैसे बनाई, कब बनाई थी, कैसे आपको याद है? मोमना के लिए मामू ने कहा, मामू ने खाया, हमने बनाई थी। दरअसल मामू ने मामू के लिए बनाई थी, तो बहुत बड़ी थी। वो कह रहे थे थोड़ी ना मैं ना घर ले जाता, तो हमने कहा ठीक है आप थोड़ी घर ले जाओ। अच्छा। मोमना को टेस्ट करवा दो ना, तो इसीलिए मोमना को भेजी थी। और मोमना और भाभी को मैं हार पार हो गई थी, मुझे तो बहुत पसंद आई थी। क्या चीज है, मजा आया। तब मैंने फर्स्ट टाइम खाई थी वो। चले जी अब इसके पीसेस बनाते हैं। कितने बनाओगे इस ब्रेड के? आपकी मर्जी, जितने मर्जी आप बड़े बड़े लगा दो ना बनाना, फिर क्योंकि इतना सही है। हां इतना ठीक है। बन गया है। हां जी आते हो, अनमोल भी आ गया। देखें मम्मा बन गया है। अनमोल कब से वेट में है? ये देखें भी, ये देखें पीसेस। वाओ सॉफ्ट कैसे ओए। तो पीसेस हमने कर लिए और अनमोल भी हमें हमारी स्टोरी बना रही है। वो सीन कैसा देखने वाला है, कैसी है स्टोरी बना रही है। अच्छी बनी, बहुत मजे की बनी है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत मजे की। बहुत मजे की बनी है, सॉफ्ट मजा आ गया। अब हम सब चलते हैं और नीचे चलकर खाते हैं सब मिलकर, लेकिन वो आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि कोई भी रेडी नहीं हुआ। वगैरह भी बहुत है, सब एसी में लेटे हुए हैं, कहते हम लोग नहीं आ सकते, गर्मी बहुत है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन आमना कि आपने फिर से आए मेरे चैनल पर और मुझे सिखाने आई। नो थैंक यू, थैंक यू। नो थैंक यू इसलिए क्योंकि मोमना भाभी मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, तो ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे तो अपने घर की बात है, सिखाने की बात है, तो कुछ ना कुछ मोमना भाभी
मेरे साथ मिलकर काम करती रहती है, सीखती रहती है कुछ ना कुछ। तो बस हम मिलकर इस तरह बनाते हैं, बहुत मजे की बनी। फाइनली मुझे बनानी है टूटी फूटी, मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस था टूटी फूटी बनाई, सही लगी क्या मजे के, शेप थोड़ी खराब हो गई, टेस्ट सही है। घर में खाना है ना आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीख लेता है। लेकिन एक ये आप कहते हो ना जो प्रोफेशनल आपको आनी चाहिए हर चीज, वो डेली बनता है, इसलिए उनकी चीज प्रोफेशनल बनानी चाहिए। अब हम डेली ना बनाते हैं चीजें, हमें तो और भी काम होता है, लेकिन डो तो सही थी ना, लेकिन डो तो परफेक्ट है, डो का तो सारा कमाल है, डो अच्छी बनी है तो सारा बस बेस्ट है, मजा आ गया। तो बस इधर ही हम अपनी आज की वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि ना किसने मुझे बनाना सिखाई रेसिपी, वायरल रेसिपी किचन में डालना है। कमेंट्स में बताएं कि कैसी बनी है, बहुत मजा है, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। किचन में डालना में आपको इसकी प्रॉपर रेसिपी बहुत सी मैंने ब्रेड बनाई है, वीट बनाई हुई है बहुत, तो आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाकर, लेकिन हर किस्म की मतलब फीलिंग है मैंने आपको बनाना, लेकिन सबसे पहले आपने आपने बनाई थी ना, सबसे पहले आपने ये चीज मतलब ये रेसिपी बनाई थी जो 5 मिलियन प्लस हुई थी। तो बस इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, हम जा रहे हैं खाने, अल्लाह हाफिज़।